म्बर वॉट वी स्टडी बिफोर क्या आपको याद है कि हमने पहले क्या पढ़ा यूनोक वन टू ए माउंटेन हेमिट एंड शी सेट शी वॉज इन डीप डिस्ट्रेस हर हजबेंड हैज़ बीन ए वे फाइटिंग इन द वॉर्स नो दैट ही हैज़ रिटर्न ही से चेंज मैन ही डजेंट स्पीक टू हर वेन एवर ही स्पीक्स ही स्पीक्स रफली यूनोक ने एक माउंटेन हेरमिट के पास गई और उसने हेरमिट को कहा वो बहुत दुखी थी उसका पति युद्ध में लड़ रहा था अब वो वापस आ गया लेकिन अब वो एक बदला हुआ आदमी है वो उससे बात नहीं करता है जब भी वो बात करता है वो गुस्से से बोलता है ओके नाउ लेट कंटिन्यू द लेसन। लुक एट दिस पैराग्राफ डियर इट समटाइम्स सेट द हेरमिट

उनके दिल बिटरनेस से भरे होते हैं बिटरनेस मीन्स नॉट गुड अच्छा नहीं होता प्लीज फादर गिव मी सम पोर्शन दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंडिल आस यूज टू बी प्लीज़ फादर मुझे कुछ दवा और मैजिक लिक्विड दीजिए जिससे मेरे पति को प्यार और दया आए यूनोक you know, ने कहा मुझे मैजिक लिक्विड चाहिए ए पोर्शन फॉर योर हस्बैंड सेट द हेरमिट वेल कम बैक आफ्टर थ्री डेज एंड आई विल टेल यू what आई शाल नीड फॉर सच ए potion. क्या अपने पति के लिए दवा हेरमिट ने कहा ठीक है तीन दिन बाद वापस आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे इस तरह की दवा के लिए क्या आवश्यकता होगी थ्री डेज लेटर यू नो केम बैक टू द हेरमिट आई हैव थॉट ओवर your प्रॉब्लम सेट द हेरमिट टू मेक द पोर्शन यू want. आई विल नीड द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर ब्रिंग मी ए लिविंग टाइगर्स विस्कर एंड आई विल मेक द पोर्सन यू वॉन्ट थ्री डेज लेटर यूनोक केम बैक टू द हेरमेट तीन दिन के बाद यूनोक वापस हेरमिट के पास आया आई हैव थोट ऑल प्रॉब्लम सेट द हेरमेट मैंने आपकी समस्या पर सोच लिया है हेरमिट ने कहा टू मेक द पोशन यू वॉन्ट आई विल नीड द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर मैं चाहते हैं कि दवा बनाने के लिए मुझे एक टाइगर का मूछ की आवश्यकता होगी ब्रिंग मी ए लिविंग टाइगर्स विस्कर एंड आई विल मेक द पोशन यू वॉन्ट मुझे एक टाइगर का मूछ लाए और मैं उस दवा को बनाऊंगा जिसे आप चाहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर सेट द वुमन इन सरप्राइज हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच ए थिंग टाइगर का मूछ यूनोक ने कहा मेरे लिए ये संभव कैसे हो सकता है यू विल फाइंड इट इफ यू थिंक द पोर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज आप पाएंगे कि अगर आपको लगाता है कि यह दवा इंपॉर्टेंट है हर्मिट ने कहा फिर वो गड़ा हुआ और अपनी घर से बाहर चला गया Yunok know, went back home she thought a great deal about how she could get a tiger's whisker then one night when her husband was asleep she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand she went to a place in the forest where a tiger was known to live standing far off from the tiger's cave she held out the bowl of food towards the tiger the tiger looked at it but did not move at all यूनोक वेन बैक होम शी थॉट ए ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कूड गेट ए टाइगर्स विस्कर यूनोक घर वापस चले गए उसने सोचा कि वो एक टाइगर का मूछ कैसे पा सकता है देन वन नाइट वेन हेर हसबेंड वो सस्लीप शी क्वाइटली क्रप्ट फ्राम हेर हाउस विथ अ बाउल ऑफ मीट इन हेयर हैंड फिर एक रात जब उसका पदी सो रहा था वो चुपचाप अपने हाथ में एक कटोरा में मां्स लेकर अपने घर से चली गई She went to a place in the forest where a tiger was known to live. वो एक जंगल में एक जगह पर गई थी जहाँ एक टाइगर रहने के लिए जाना जाता था. Standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. टाइगर की गुफा से दूर गड़े होकर उसने टाइगर के सामने वो भोजन का कटोरा रखा. The tiger looked at it but did not move at all. टाइगर ने इसे देखा लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला द नेक्स्ट नाइट यू वेंट अगेन दिस टाइम शी केम मे लिटिल क्लॉसर टू द टाइगर्स केव अगेन शी हेल्ड आउट द बोल ऑफ फूड बट द बीस्ट डिड नॉट केयर नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द माउंटेन गेटिंग ईच टाइम ए फ्यू स्टेप्स क्लॉसर टू द टाइगर्स केव क्या है द नेक्स्ट नाइट यूनोक वेंट अगेन अगली रात यूनोक फिर से चला गई दिस टाइम शी came a लिटिल closer टू द टाइगर्स केव लेकिन इस बार वो टाइगर की गुफा के थोड़ा करीब आ गई अगेन शी हेल्ड आउट ए बॉल ऑफ फूड बट द beast डिड not केयर फिर से उसने भोजन का कटोरा रखा लेकिन टाइगर को कोई परवाह नहीं दी नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द mountain, गेटिंग ईच टाइम ए फ्यू स्टेप्स closer टू द टाइगर्स केव रात होने के बाद वो हर बार कुछ समय के लिए टाइगर की गुफा के करीब होते हुए पहाड़ पर जाती थी मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ वन नाइट शी वॉक ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव दिस टाइम द टाइगर मूड ए फ्यू स्टेप्स टूवर्ड्स द वूमन द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मून लाइट दे वेर सो क्लोज दैट यू नो कुड टॉक टू द टाइगर इन ए सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस द टाइगर लुक लॉन्ग इन टू हेयर आइस एंड देन एट द फूड शी हेड ब्रॉड फॉर इट listen. One night, she walked almost to the mouth of the cave. एक रात वो गुफा के सामने चली गई This time, the tiger moved a few steps towards the woman. इस बार टाइगर यूनो की पास आया The two stood looking at each other in the moonlight. दोनों चांदनी में एक दूसरे को देख रहे थे। They were so close that you know could talk to the tiger in a soft and gentle voice. वे इतने करीब दे कि नो टाइगर से बात कर सकते हैं द टाइगर लुक लॉन्ग टू हेयर आइस एंड देन एट द फूड शी हार्ट ब्रॉड फॉर इट टाइगर ने उसकी आंखों में लंबे समय तक देखा और फिर वो उसके लिए लाया भोजन खाया ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे I'm going to read all these paragraphs again. Listen carefully. Dear, it does happen sometimes, said the hermit. When young men come back home after the wars, their hearts are full of bitterness. Please father, give me some potion that will make my husband loving and gentle as he used to be. A potion for your husband, said the hermit. Well, come back after 3 days and I will tell you what I shall need for such a potion. 3 days later you know came back to the hermit i have thought over your problem said the hermit to make the potion you want i will need the whisker of a living tiger bring me a living tiger's whisker and i will make the potion you want the whisker of a living tiger said the woman in surprise how could it be possible for me to get such a thing you will find it if you think the potion is really important said the hermit then he stood up and walked out of his cottage. Yunok went back home. She thought a great deal about how she could get a tiger's whisker. Then one night, when her husband was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. She went to a place in the forest where a tiger was known to live. Standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. The tiger looked at it but did not move at all the next night eunuch went again this time she came a little closer to the tiger's cave again she held out a bowl of food but the beast did not care night after night she would go to the mountain getting each time a few steps closer to the tiger's cave one night she walked almost to the mouth of the cave this time the tiger moved a few steps towards the woman

यूनोक ने कहा प्लीज़ फादर मुझे कुछ दवा दीजिए माजिक लिक्विड दीजिए मेरे पति के लिए हेरमित ने कहा ठीक है तीन दिन बाद वापस आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे इस तरह की औषधि की क्या आवश्यकता होगी तीन दिन बाद यूनोक वापस हेरमिट के पास आया हेरमित ने कहा दवा बनाने के लिए मुझे एक टाइगर का मूछ की आवश्यकता होगी यह सुनकर यूनोक वापस घर चले गए उसने सोचा कि वो एक टाइगर का मुँच कैसे पा सकता है फिर एक रात जब उसका पति सो रहा था वो चुपचाप अपने हाथ में एक कटोरा में मांस लेकर अपने घर से चली गई वो एक जंगल में एक जगह पर गई थी जहाँ एक टाइगर रहता था टाइगर की गुफा से दूर गड़े होकर उसने टाइगर के सामने भोजन का कटोरा रखा टाइगर ने इसे देखा लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला अगली रात युनोक फिर से चली गई इस बार वो टाइगर की गुफा के तोड़ा करीब आ गई फिर से उसने भोजन का कटोरा रखा लेकिन टाइगर को कोई परवाह नहीं दी रात होने के बाद वो हर बार कुछ समय के लिए टाइगर की गुफा के करीब होते हुए पहाड़ पर जाती थी एक रात वो गुफा के सामने चली गई इस बार टाइगर यूनक के पास आया दोनों चांदनी में एक दूसरे को देख रहे थे दे। वे इतने करीब देखी उन लोग टाइगर से बात कर सकते हैं टाइगर ने उसकी आंखों में लंबे समय तक देखा और फिर वो उसके लिए लाया भोजन खाया ओके रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर लिसनिंग